हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। मैं डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, चैप्टर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास 17th। विल देयर बी अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z16 प्लस Z2 ऑन टू Z4 प्लस Z4। तो देखिए, हम इसको जो इससे पहले वाले लेक्चर में किया था उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि सपोज कर लेते हैं हम कि एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सपोज phi इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस ग्रुप टू दी ग्रुप Z4 प्लस Z4। अगर है तो उसकी डिफाइन कैसे करी हमने कि phi ऑफ xy, वेयर x कहाँ पे आएगा, Z16 का एलिमेंट है और y किसका एलिमेंट है, Z2 का एलिमेंट है। इसको मैंने डिफाइन कर दिया x मॉड 4 y मॉड 2, ठीक है। ये इसके अंदर हम ले आए Z4 प्लस Z4 के अंदर इस एलिमेंट को, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, इसका हमने कर्नल निकाला। अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो मैं इसका कर्नल निकाल रही हूँ। इसका कर्नल क्या होगा कि एनी एलिमेंट एक्स वाई विच बिलोंग्स टू Z16 प्लस Z2, देन फाई ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक है। अब फाई ऑफ एक्स वाई क्या होगा, यहाँ डेफिनेशन से देखो एक्स मॉड 4 और वाई मॉड 2 आ जाएगा आपके पास, तो ये 0 0 हो गया। अब इक्वेट करोगे तो एक्स मॉड 4 0 आ गया, वाई मॉड 2 0 आ गया। अब एक्स मॉड 4 अगर 0 है, इसका क्या मतलब है, जब आप x को 4 से डिवाइड करते हो और तो रिमाइंडर लेते हो तो आपके पास 0 आता है। ऐसा कब होगा, जब वो मल्टीपल होगा 4 का। तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, और y ऐसे ही y मॉड 2 इक्वल टू 0 मीन्स y को जब 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे तो मेरे पास 0 आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो अगर x मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, और x किसका एलिमेंट है आपका, Z16 का एलिमेंट है, तो मल्टीपल ऑफ 4 लो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 4, 8 और 12 आ गए, 4 × 4 = 16। जब 16 को आपने 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्यों डिवाइड किया मैंने 16 से, क्योंकि मेरा ये x कहाँ से आया हुआ है, Z16 से आया हुआ है, इसलिए ये 0, 4, 8, 12 इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऐसे देखिए y क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो 2 के मल्टीपल्स लेना शुरू करो, 2 × 1 = 2, तो 2 आ गया, 2 × 2 = 4। अब आप 4 लोगे, 4 है आपका, ये y कहां से आया है आपका, Z2 से आया ना, y आपका Z2 से आया, तो 2 × 2 = 4 लिया, 4 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो आपका ये 0 और 2 ही आ जाएगा। इसके आगे का कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो आपका इसी में ही सर्कुलेट होता रहेगा वो, ठीक है। तो हमारे को पता चला कि हमारे पास एक्स के इतने एलिमेंट और वाई के सिर्फ 0 2 है। अब आपको कर्नल फाई बनाना है। कर्नल फाई के पास एलिमेंट क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो अब आप इससे जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं आपके वो सारे बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, देखो 0 के साथ 0, मैं लिख देती हूँ आपको, करवा देती हूँ एक बार, 0, 4, 8, 12 है ना, देखो आपका 0, 4, 8, 12 एक उसके एलिमेंट आ गए और दूसरे के 0, 2 आए हैं। इसके जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं बनाइए। तो देखो 0 के साथ 0 लिया, 0 के साथ 2 लिया, ठीक है। फिर 4 के साथ बनाए तो 4 के साथ 0 और 4 के साथ 2, ऐसे 8 के साथ बनाइए, 8 0 8 2। फिर 12 के साथ बनाइए, 12 0 और 12 2, ये मेरे एलिमेंट्स बन गए इसके, ठीक है। तो मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए कर्नल फाई के। ये टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, देखो एक्स के पास 4 है, वाई के पास 2 है, तो 4 × 2 = 8, टोटल एलिमेंट 8 है ये, तो ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई के आ गया, 8 आ गया। अब हमने इस होमोमॉर्फिज्म को ऑन टू होमोमॉर्फिज्म माना है। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कह रही है, जी बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो यहाँ पे जी क्या है आपका, Z16 प्लस Z2 कर्नल फाई, और यहाँ पे कोडोमेन आपका क्या था, Z4 प्लस Z4, ठीक है। अब इसका अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ऑर्डर प्रिजर्व होगा, तो ऑर्डर ऑफ द डोमेन ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द कोडोमेन ग्रुप। तो आपने इसका ऑर्डर निकाला, क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर आपको पता है कि कैसे निकलता है, ऑर्डर ऑफ दिस न्यूमरेटर अपॉन ऑर्डर ऑफ दिस डिनोमिनेटर, ठीक है। और इधर से आ गया ऑर्डर ऑफ Z4 प्लस Z4। अब Z16 प्लस Z2 का ऑर्डर क्या होगा, 16 × 2 कितना हो गया, 32। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई आपने ऊपर निकाला, 8। तो इधर वाली साइड जो है आपकी, इसका ऑर्डर आ गया 32/8 यानी कि 4। तो क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर आ गया आपका 4। और Z4 प्लस Z4 का ऑर्डर क्या है, 4 × 4 = 16। तो इधर आ गया 4, इधर आ गया 16, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो हमने तो सपोज किया था कि ऑनटू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, तो वो हमारी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। सो देर इज नो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस ग्रुप ऑन टू Z4 प्लस Z4। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।